तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनैन बासर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स, आप कैपकट की ऐड को कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो। जो तक है कि जैसे आप कैपकट को ओपन करते हो तब भी आपके पास ऐड देखने को मिल जाती है, या फिर आप कैपकट का यूज करते हैं, कैपकट में कोई भी वीडियो का एडिट करते हैं, तो ऐसे में भी आपके पास बार बार ऐड आपको देखने को मिलती है। लास्ट में अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट भी करते हैं तब भी आपके पास ऐड आ जाती है। तो आप कैपकट की ऐड को कैसे रिमूव कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सिंपल कैपकट का यूज करें या फिर आपके पास कैपकट का प्रो वर्जन है वो आप यूज करें, आप उस कैपकट में ऐड को कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो, अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब बार बार ऐड देखने को मिलती है। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना कैपकट को ओपन करता हूँ और आपके सामने यहाँ पर मैं कैपकट को भी ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऐड मुझे देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मेरा कैपकट ओपन हो चुका है। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई भी ऐड मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ऐसे में यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ तब भी मुझे कोई भी ऐड इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे ही आपके भी कैपकट में आपको कोई भी ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए बस आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐड आपको बार बार देखने को मिलती है ओपन करते हुए, एक्सपोर्ट करते हुए, कैपकट का यूज करते हुए, तो आपने क्या करना है, अगर आपने प्ले स्टोर से कैपकट का डाउनलोड किया है तो आपने यहाँ पर कैपकट पर दबाए रखना है और यहाँ पर आपको आई का या फिर इन्फो लिखा आ जाएगा, ऐप इन्फो, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से फ्रेंड्स, अगर आप क्लियर कैच पर आपने क्लिक कर देना और अगर आप इसे क्लियर डाटा भी कर देते हैं तो आपका जो कैपकट होगा, जैसे आप प्ले स्टोर से न्यू डाउनलोड करते हैं वैसे ही दोबारा से ये सब कुछ आपका वहां से कट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कैपकट जैसे पहले से होगा। जब फर्स्ट टाइम आप जैसे वीडियो को एडिट करते हैं तो ऐसे में कोई भी आपके पास ऐड नहीं आएगी। ऐसे में जब भी आपको वीडियो को एडिट करना होगा तो यहाँ से आपको बार बार क्लियर कैच और क्लियर डाटा करना पड़ेगा, तब आपके पास ऐड नहीं आएगी। अगर आप कैपकट प्रो का यूज करते हैं उसमें भी आप ऐड को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और इसमें भी आप हटा सकते हैं, आपके पास कोई भी ऐड नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए फ्रेंड्स आपने जाना है यहाँ पर सेटिंग में, कनेक्शंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पर आपको मोर कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपके पास ऑफ होगा तो आपने यहाँ पर नंबर 3 पर सिलेक्ट कर देना है, प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से ये राइट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, dns@dns.addgrowth.com, ये राइट करके आपने इसे सेव कर देना है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये आपके मोबाइल में, सभी के मोबाइल में ये ऑप्शन होता है। और ये काम क्या करता है, चलिए ये पहले बता देता हूँ। ये काम ये करता है कि आपके कैपकट में भी कोई ऐड नहीं आएगी, आपके मोबाइल में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बहुत ज्यादा एड्स आती है उनको भी ये हटाएगा, आपके मोबाइल में जितनी भी एड्स वगैरह आती है थर्ड पार्टी, उन सभी एड्स को ये ब्लॉक कर देगा, हटा देगा, आपके मोबाइल में कोई भी ऐड ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपने ये सब कुछ करके आपने इसे सेव कर देना है। अगर आपके मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग के मोबाइल में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। अगर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपके पास और मोबाइल है, तो यहाँ पर आपने सर्च में जाना है और यहाँ पर आपने प्राइवेट DNS भी राइट कर सकते हैं या फिर अकेला आप DNS ये राइट कर दें और यहाँ पर आपने सर्च कर देना है। इस तरीके से ये आपको प्राइवेट DNS सर्च में ही यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट ये आपको प्राइवेट DNS में ले जाएगा। अब आपने प्राइवेट DNS पर क्लिक कर देना और नंबर 3 पर सिलेक्ट करके dns.addgrowth.com राइट करके आपने इसे सेव कर देना है। यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, आपके कैपकट में भी कोई एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी या उसे हटा देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इस टॉपिक वाले से कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।